बिना आइसक्रीम मशीन और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज करके आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। समर्स आई थिंक बेटर हो जाते हैं विद मैंगो, एंड मैंगो से मैंगो आइसक्रीम बनाने से दिन और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है व्हिपिंग क्रीम। आप डेयरी या फिर नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100% जो डेयरी वाली व्हिपिंग क्रीम होती है वही बेटर होती है। जस्ट याद रखें, आपकी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। तो ये रही व्हिपिंग क्रीम। इसका फैट परसेंटेज करीबन 35% होता है। व्हिपिंग क्रीम अगर एकदम परफेक्टली चिल्ड होगी तो आपका जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप होगा। हम इसे मीडियम स्पीड पे व्हिप करेंगे। व्हिपिंग क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक वाले स्टेज तक व्हिप करना है, एकदम स्टिफ पीक तक हमें नहीं जाना है। ये देखिए सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं। इस आइसक्रीम के पीछे का साइंस ये है कि जो मार्केट वाली आइसक्रीम होती है उसमें होता है ओवररन, यानी कि एयर होल्डिंग कैपेसिटी, जिससे आइसक्रीम बनती है स्मूथ, क्रीमी और उसमें कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं होते। ये प्रोसेस करके हम मैन्युअली इसमें डाल रहे हैं ओवररन। आप देख सकते हैं कि जो व्हिपिंग क्रीम है ये हो गई है तैयार, अच्छी थिक हो गई है, लाइट है और एयरी है। इस एक रेसिपी से आप कई सारी रेसिपीज बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो फ्लेवर, इसलिए मेरे पास यहाँ पे है मैंगो प्यूरे और कुछ चॉप्ड मैंगो भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो मैंगो प्यूरे है वो डाल लें और इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। जो डेयरी वाली व्हिपिंग क्रीम आती है यूजुअली उसमें कोई चीनी नहीं होती है, इसलिए हम ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे। लेकिन जो नॉन डेयरी वाली व्हिपिंग क्रीम आती है वो ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए उसमें कंडेंस्ड मिल्क का जो प्रोपोर्शन है उसे आप कम कर लें। इस मिक्सचर को हमें कट एंड फोल्ड कर लेना है। ये देखिए एकदम यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया है तैयार। अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ मैंगो, इसे भी मिक्स कर लें। सो मैंगो आइसक्रीम का बेस हो गया है तैयार और अब हम इसे करेंगे सेट। किसी भी ग्लास या फिर मेटल कंटेनर में ये सारा का सारा मिक्सचर ट्रांसफर कर लें। यू नो, ये रेसिपी की खास बात क्या है, इसमें ना कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते, एकदम सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम तैयार होएगी। ये इसे लेवल कर लें। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा और मैंगो, बस हल्का हल्का सा यूं स्प्रेड कर लें। दैट्स इट। आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना होने के लिए हम लगाएंगे क्लिंग फिल्म। ये जो क्लिंग फिल्म है पहले तो आप इसके ऊपर डालें, लेकिन इसका जो सरफेस है आइसक्रीम का वो क्लिंग फिल्म पे टच होना चाहिए। ऐसा करने से जितनी भी एयर है वो हमारे आइसक्रीम पे नहीं जाएगी। इस आइसक्रीम को हम 5 से 6 घंटे तक फ्रीज करेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसे सर्व। आइसक्रीम फ्रीज हो गई है, इस क्लिंग फिल्म को निकाल लें। अब देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट स्कूप भी रेडी है। चलिए इस आइसक्रीम को प्लेट कर लेते हैं। समर्स के लिए ये मैंगो आइसक्रीम परफेक्ट है, तो इसलिए इसे जरूर ट्राई करिएगा।